वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबू का किचन। इफ्तार रेसिपी में आज हम बहुत ही यम्मी और टेस्टी डेजर्ट बनाएंगे, केक पाइनएप्पल डेजर्ट। ये बनाने में बहुत ही आसान है, तो आप इसे इफ्तार में एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको डेजर्ट की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले एक फ्राई पैन में बारीक कटा हुआ आधा कप पाइनएप्पल, एक बड़ा चम्मच चीनी और एक छोटा चम्मच पानी ऐड करेंगे। पाइनएप्पल को सॉफ्ट करना है तो इसे हम लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। पाँच से सात मिनट लो फ्लेम पर कुक करने के बाद ये ड्राई भी हो गया है और पाइनएप्पल सॉफ्ट हो गए हैं। अब एक पैन में 2 कप पानी लेंगे। गैस की फ्लेम हमने ऑन नहीं की है। अब हम इसमें इंस्टेंट रेडीमेड पाइनएप्पल वाटर जेली ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे एक उबाल आने तक कुक करेंगे। अच्छे से एक उबाल आ गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रखेंगे। अब एक पैन में 1 कप मिल्क, यहाँ पर भी हमने गैस की फ्लेम ऑन नहीं की है। सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। 2 छोटे चम्मच चीनी ऐड करेंगे। अब 2 छोटे चम्मच वेनिला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसे कुक करेंगे। 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर ठीक होने तक कुक करेंगे। ये अच्छे से ठीक हो गया है। अब इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी ठीक हो जाएगा। अब एक वेनिला क्रीम केक लेकर इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मैंने यहाँ पर वेनिला क्रीम केक लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्लेवर का केक ले सकते हैं। अब पाइनएप्पल डेजर्ट को असेंबल करते हैं। एक बाउल में क्रीम केक के पीस रखेंगे। आप कप केक या स्पॉन्जी केक भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब केक पर पाइनएप्पल का लेयर करेंगे। पाइनएप्पल के पीस को केक पर अच्छे से फैलाकर सेट कर लेंगे। अब इस पर कस्टर्ड की लेयर करेंगे। आपने देखा, ये ठंडा होने के बाद और भी ठीक हो गया है। कस्टर्ड को चारों तरफ अच्छे से फैलाकर सेट कर लेंगे। इसे थोड़ा सा टेप कर अच्छे से सेट कर लेंगे। पाइनएप्पल की जेली अच्छे से सेट हो गई है और इसे इस तरह से हाफ क्रश कर लेंगे। जेली को इस तरह से हाफ क्रश कर लिया है। अब कस्टर्ड पर जेली का लेयर करेंगे। अच्छे से चारों तरफ फैलाकर इसे सेट कर लेंगे।
जेली पर व्हाइट चॉकलेट चिप से गार्निश करेंगे। अब इस पर थोड़े से डार्क चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ी सी कलरफुल चॉकलेट वर्मिसिली स्प्रिंकल करेंगे। केक पाइनएप्पल डेजर्ट रेडी है। अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रखेंगे। फ्रिज में 2 घंटे सेट करने के बाद ये रेडी है सर्व करने के लिए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी है ब्रेड पाइनएप्पल डेजर्ट। ये बहुत ही क्रीमी और लाजवाब रेसिपी है। अगर आप मेरी ये रेसिपी मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you for watching.